दरभंगा के सांसद तितिज आजाद ने अपने आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया नकारात्मक है। समाज के दलित पिछले और गरीब तबके के लोगों में राहत को लेकर संशय है। किलाघाट बादितपुर के महदौलिक गांव के पास आई बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे लोगों के पास अभी तक किसी प्रकार की राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई, वही जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। सदर प्रखंड के सोनकी पंचायत में शनिवार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुल 15 पंचायतों में बाढ़ राहत सामग्री को भेजा गया। सोनकी पंचायत में आज अभी तक वार्ड नंबर 6 का हाल अभी तक बद से बदतर ही बना हुआ, वहीं लोगों की सुधि लेने वाला कोई नहीं। बजट संबंधी कार्यों की समीक्षा के लिए रविवार को भी संस्कृत विश्वविद्यालय में कामकाज होगी, वहीं इस कार्य दिवस को दुर्गा पूजा अवकाश में समायोजित कर दी जाएगी। दरभंगा जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेश अनुसार 28 अगस्त से पूर्वतः समय पर खुलेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय में शनिवार को संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, वहीं छात्र संगठनों में जन अधिकार छात्र संगठन, AISF आदि कई क्षेत्र संगठन रहे शामिल। कई एजेंडों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में परीक्षा परिषद की बैठक हुई आयोजित, तो वहीं जिसमें कई एजेंडों पर की गई चर्चा। प्रशासन का खोखली दावा इस बेजुबानों के बीच साबित हो रही, यह कैसे बताएं हम भूखे हैं। नदी का मछली खाने से हो सकती है खतरनाक बीमारी, जी हां आप हो जाए सावधान। देश बचाओ भाजपा भगाओ पटना में आयोजित रैली को लेकर दरभंगा RJD कार्यालय में तैयारी पूरी कर ली गई, तो वही 20,000 लोग जिले से लेंगे भाग।